कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए इंडियन आर्मी के एक्शन को लेकर कुछ लोगों को भारी तकलीफ हो रही है, इसलिए वो लगातार सेना और सेना प्रमुख को निशाना बना रहे हैं। शनिवार को सेना प्रमुख बिपिन रावत ने सेना पर सवाल उठाने वाले लोगों को करारा जवाब दिया। तेलंगाना में पासिंग आउट परेड में शामिल होने गए आर्मी चीफ ने कहा कि सेना को मानवाधिकारों में पूरा यकीन है, लेकिन घाटी में हालत के मुताबिक एक्शन होगा। कश्मीर पर आर्मी चीफ ने कहा, दक्षिणी कश्मीर के कुछ इलाकों में आतंकियों की सक्रियता के कारण समस्याएं हैं, लेकिन उसके खात्मे के लिए एक्शन लिया जा रहा है। हम जल्द हालात को काबू में कर लेंगे और हालात को काबू करने के लिए जो भी जरूरी है किया जाएगा। हम मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं और हमारी कोशिश भी रहेगी कि इनका उल्लंघन ना हो। आर्मी को लेकर विवाद की शुरुआत तब हुई जब पत्थरबाज को जीप के बोनट पर बांधने का ये वीडियो सामने आया था। इसके बाद सेना ने ऐसा करने का आदेश देने वाले मेजर गोगोई को सम्मानित किया तो विवाद बढ़ता चला गया। हाल ही में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था। हालांकि आलोचना होने के बाद संदीप दीक्षित ने माफी मांग ली और राहुल गांधी ने भी कांग्रेस नेताओं को आर्मी पर सवाल खड़े न करने की नसीहत दी। आपको बता दें कि पत्थरबाजी की बढ़ती घटनाओं और आतंकियों की सक्रियता को देखते हुए सेना ने घाटी में अपना एक्शन तेज कर रखा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही घाटी में हालात सामान्य होंगे।